नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम यहाँ पे लेके आए हैं टाटा अल्ट्रोस का डार्क एडिएशन। तो वेल, पूरी गाड़ी यहाँ पे आपको डार्क देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल्स की। तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है, साइड में DRLs मिल जाती है, साथ में ये आप इंडिकेटर्स देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएगा, बीच में यहाँ पे आपको टाटा की ग्रिल देखने को मिलेगी जिसमें क्रोम से टाटा का लोगो यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है टो करने के लिए। सेम प्रोफाइल यहाँ पे इस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगी। वेल, अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स भी डार्क एडिशन में दिए गए हैं। और अगर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो 185/60 R16 प्रोफाइल है इसकी। तो वेल, ये है अलॉय व्हील्स। इसके बाद यहाँ पे आपको हैशटैग डार्क एडिशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ORVMs आप देख सकते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा। हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे हैंडल्स की क्वालिटी कुछ इस हिसाब से मिलेगी। और बात करते हैं डोर के नॉइज़ की, तो वेल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोर्स, इसको यहाँ पे शायद 4 स्टार या 5 स्टार मिले हैं। तो वेल, मज़बूत काफ़ी है। सेम अलॉय व्हील्स आपके आपको देखने को मिल जाएगा 185/60 R15। यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपनिंग मिल जाता है। पीछे की आप यहाँ पे टेल लाइट देख सकते हो। टेल लाइट यहाँ पे टाटा ने एक काफ़ी मतलब एक स्टाइलिश तरह से निकाली है। और यहाँ पे पीछे देखें तो वोकल फॉर लोकल ये ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है, वाइपर के ऊपर आपको स्टॉप लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी रेड कलर की। नीचे यहाँ पे टाटा की बैजिंग आपको यहाँ पे दिखी है, अल्ट्रोस की बैजिंग यहाँ पे आपको मैट फॉन्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये है नंबर प्लेट का सेक्शन। नीचे एक स्टाइलिश आपको बम्पर मिल जाएगा और जो एग्जॉस्ट पाइप है वो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे अगर इसके बूट को ओपन करते हैं हम यहाँ पे, तो ये है इसका बूट। यहाँ पे बीच में आपको पीछे यहाँ पे एक पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाती है और नीचे ये है बूट स्पेस इसका। वेल, बूट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप अपने 3 सूटकेस मतलब 1, 2 और 3 यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। और यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह तो वेल दिखाई नहीं दे रही है। ये रही, ये है यहाँ पे लाइट्स दिख रही है। और हुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर कुछ आपको टाई करना है तो जस्ट ऐसे सीधे रहे इसके लिए। दो तरफ दो हुक है। ये है पार्सल ट्रे इसकी, इसको आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। जस्ट यहाँ से इसको निकाल दीजिए तो पार्सल ट्रे आपकी पूरी अनफोल्ड हो जाएगी यहाँ पे। और एक बार पार्सल ट्रे को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और ये आता है यहाँ से आगे केबिन का पूरा व्यू आपको टाटा अल्ट्रोस के अंदर। तो वेल, गाड़ी यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है, मतलब बूट के दरवाजे का अगर आप वेट देखते हैं या तो फिर हैंडल बार्स यहाँ पे पीछे के डोर के यहाँ पे दिए गए हैं। तो वेल, यहाँ से ओपन होगा पीछे का डोर। और एक बात इसकी यहाँ पे एक चीज़ वो है खास जो मुझे लगी है, वो है 90 एंगल्स पे पूरे दरवाजे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे तो बैठने के लिए वेल एकदम से आपको इजी मिलेगा। तो पीछे की बात करें यहाँ पे स्पेस की, तो वेल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेग रूम यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर ड्राइवर सीट थोड़ी सी भी पीछे आए तो भी मतलब कोई टेंशन नहीं है। पीछे यहाँ पे आप देखें, पीछे यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे और सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे डोर पी, तो यहाँ पे स्पीकर एक ट्विटर लगा हुआ है। नीचे यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे पावर विंडो का बटन है और ये डोर ओपनर यहाँ पे दिया गया है। वेल, यहाँ पे पीछे एसी वेंट्स आपको मिलेंगे, यहाँ से आप उसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा। उसके नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेल, आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा 90 एंगल के ऊपर मतलब मुझे मेरा हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब कितना दूर है। तो वेल, ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, उतरने में और चढ़ने में आपको एकदम से मतलब ईजी रहेगा। और यहाँ से मैं इसको आराम से ऐसे खींच के बंद कर सकता हूँ। तो ये है डोर ओपनर, पावर विंडो, नीचे यहाँ पे स्पेस मिल जाता है बॉटल्स वगैरह कुछ रखने के लिए, ऊपर यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं। बात करेंगे रूफ़ की, तो रूफ़ यहाँ पे पूरा आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको हैंडल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टाई करने के लिए कुछ मिलता है, जैसे कि आपका कोट वगैरह, ब्लेजर वगैरह अगर आप यहाँ पे हैंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आगे का कैबिन व्यू कुछ इस हिसाब से यहाँ पे देखने को। वेल, कैबिन व्यू की बात करें तो यहाँ से मतलब एक गाड़ी के अंदर एक प्रीमियमनेस तो आपको फील हो ही रही है।
तो काफ़ी कमाल का है ये। बात करेंगे यहाँ पे तो ये सनवाइजर के नीचे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपने होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने ग्लासेस यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ ऊपर आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, ये लाइट्स यहाँ पे दी गई है, तो लाइट्स कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको मिरर मिलता है, मिरर के साथ यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी। और दो यहाँ पे ऊपर हैंडल्स दिए गए हैं, पैसेंजर सीट के ऊपर आपको एक हैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐसे। तो बात करते हैं चलो आगे केबिन की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी की की, तो आपको यहाँ पे की कुछ इस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगी। और पीछे यहाँ पे आपको स्विचेस दिए गए हैं, जिसमें ये एक लाइट का ऑप्शन है, बूट ओपन करने का ऑप्शन है, लॉक है और यहाँ पे अनलॉक है। और उसके साथ में आपको ये इस तरह की कीज़ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके साथ में यहाँ पे एक अल्ट्रोस का आपको बैंड देखने को मिलेगा, तो जिसको आप हाथ में पहन सकते हैं ऊपर, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं लिंक करके अपनी कार के साथ। तो ये है यहाँ पे कीज़ की बात। बात करेंगे यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको ORVM के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, डोर ओपनर मिल जाता है, यहाँ पे पावर विंडो के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे चारों, और ये लॉक अनलॉक है पावर विंडो के लिए। नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाएगा, हरमन की सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे बॉटल आप रख सकते हैं, और उसके अलावा भी और काफ़ी यहाँ पे स्पेस दिया गया है। सीट्स की बात करें तो सीट्स यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आपको आगे पीछे देखने को मिलेगी, जैसे कि ये पीछे जा रही है और नीचे हो रही है, तो इस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंटीरियर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है आपको ये पूरा यहाँ पे पियानो फिनिश में देखने को मिलेगा। और नज़दीक से अगर देखेंगे तो एक स्पार्कल यहाँ पे इफ़ेक्ट आपको दिया गया है। और अगर इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कार्बन फाइबर टाइप की यहाँ पे मटेरियल देखने को मिल जाती है। हरमन की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, नीचे यहाँ पे AC वेंट्स है, उसके नीचे यहाँ पे आपको अल्ट्रोस की मैट के अंदर ब्रांडिंग मिलेगी। तो ये है एक पूरी यहाँ पे, मतलब एक अलग ही शेड दिख के आ रहा है। और इसके बाद बात करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आपको AC यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से। एंड नीचे आपको यहाँ पे एक USB पावर सॉकेट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर USB है, और 12 वोल्ट का भी यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है। इसका कवर जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब क्रोम रिंग के साथ में। इसके बाद यहाँ पे देखें तो 5 स्पीड आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जाएगा गियर्स का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड में रहता है। और इसके बाद हम लोग अगर इको में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से ये स्विच दबा के इको में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा, और ये थोड़ी जगह यहाँ पे पार्किंग ब्रेक जब आप रिलीज़ करोगे तब वो ऐसे नीचे चली जाएगी। आर्मरेस्ट यहाँ पे आगे आपको देखने को जो मिलता है वो यहाँ पे स्लाइडर मिलेगा, और इसको आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तो नहीं, बट फ़ोन वॉलेट वगैरह ऐसे आ सकता है, उतनी स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बात करेंगे यहाँ पे क्लस्टर के बारे में। तो जब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस हिसाब से यहाँ पे क्लस्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हरमन की आपको यहाँ पे डिस्प्ले इस हिसाब से आ जाती है। बात करेंगे यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प एक्टिवेट हो चुका है, और सेटिंग्स में अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इल्यूमिनेशन है, डिस्टेंस टू MT रिफ्यूल डिस्टेंस दिखाएगा, फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे ट्रिप ए दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, और साइड में यहाँ पे आपको किलोमीटर्स देखने को मिल जाएंगे। पावर और टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लॉक देखने को मिल जाता है, और वही बस बाकी सारे जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग के यहाँ पे आपको एक लेदर रैप यहाँ पे एक अच्छी फिनिश मिलती है, जो मतलब पकड़ने में यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लगती है टाटा की ओर से। और कंट्रोल्स अगर बात करें तो हॉर्न यहाँ पर दिए गए हैं, वॉल्यूम आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉइस कमांड देख सकते हैं, प्लस कॉल को रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से कॉल ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो ये क्रूज़ कंट्रोल की स्विच आपको यहाँ पे दी गई है, ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़ करने की स्विच दी गई है, और ये बेसिकली प्लस माइनस यहाँ पे अप डाउन्स के लिए है। तो ये डिस्प्ले की अगर बात करें
तो डिस्प्ले के अंदर जैसे कि टाइम डेट के सेटिंग्स यहाँ पे आपको आ रहे हैं, उसके बाद दूसरा जो सेटिंग्स है ये यहाँ पे टेम, तो वेल ये सब यहाँ से एडजस्ट आप कर पाएंगे। यहाँ से इसका फ्लो आप बढ़ा सकते हैं इसका, और ये सीट्स यहाँ से एसी की जो पोजीशंस है वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। तो ये फ्लो हमने कम कर दिया, राइट। यहाँ से इसको बैक करेंगे, होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको वॉच दिख जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और यहाँ पे पैर अदर डिवाइस करके डिवाइस की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ से आप मीडिया को रिम्यूज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको एसी के आइकॉन्स भी मिल जाएंगे देखने के लिए, और यहाँ से आप डिस्प्ले बंद कर सकते हैं और वापस यहाँ से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेल डिस्प्ले वगैरह तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाटा ने दिया है। और सीट्स की बात करें यहाँ पे, तो सीट्स के ऊपर आपको एक ऐसी फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो मतलब आप इसको टच करते हैं वगैरह तो एक काफ़ी आपको मतलब यहाँ पे एक प्रीमियम फील हो आती है। और इसमें आपको एक कुशनिंग भी मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बकेट टाइप का दिया गया है, बकेट टाइप सीट्स है यहाँ पे। और सीट्स बेल्ट भी आप यहाँ पे इसको जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पे खींच सकते हैं अपने हिसाब से। तो वेल ये थी टाटा की अल्ट्रोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।